हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट आपको हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मिलते जाएं। और इस चैनल पर मैंने और भी चैप्टर के एमसीक्यू बनाए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें। ये एमसीक्यू आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम प्लस आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं, आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। सो देखो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू आपके प्रीवियस पेपर में से उठाए गए हैं, सो इन एमसीक्यू को आपने अच्छे से करके जाना है। सो हम एक एक एमसीक्यू को अच्छे से स्टडी करेंगे, प्लस इसके रिलेटेड जो भी और एमसीक्यू बनने हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। सो फर्स्ट है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो देखो बच्चे, अगर आपको पता हो कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर डिफरेंट होता है, तो वो कौन से एटम्स होते हैं? सो आपके एटम्स होते हैं आइसोटोप, राइट। सो इसका राइट आंसर है आइसोटोप, ऑप्शन नंबर ए। सो इससे रिलेटेड आपको और भी एमसीक्यू आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको पूछ सकते हैं कि वो वाले एटम्स बताओ जिनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। सो उस केस में आप क्या आंसर देने वाले हो? अगर आपका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है उनको क्या बोला जाता है। सिमिलर वे से वो वाले एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो कौन से एलिमेंट होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं? दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, राइट। सो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका व्हेन एन एलिमेंट गिव्स आउट हाई एनर्जी रेडिएशंस ऑन इट्स ओन द चेंज विच टेक प्लेस। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो थर्ड है आपकी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो स्टूडेंट, जिस एमसीक्यू की मैं पहले बात कर रही थी वो आ ही गया कि वो वाले एलिमेंट्स बताओ जिसका मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। सो इसका राइट आंसर है आपका आइसोबार, ओके। फोर्थ इज द रेडिएशंस गिवन आउट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, आयोनाइजिंग गैसेस आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। फिफ्थ इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या इमिट करता है? वो साइमल्टेनियसली इमिट करेगा अल्फा रेस, गामा, बीटा, ठीक है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस को साइमल्टेनियसली एमिट करता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिक्स इज ड्यूरिंग अल्फा एमिशन। सो अल्फा एमिशन के टाइम क्या होता है? जो आपका मास नंबर है वो 4 डिक्रीज होता है एंड एटॉमिक नंबर है वो 2 डिक्रीज हो जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब है, सपोज अगर कोई आपका एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है एंड मास नंबर ए है, ठीक है, जो अल्फा एमिशन होती है तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 डिक्रीज हो जाएगा और जो आपका मास नंबर है वो 4 डिक्रीज हो जाएगा, ओके। इन द सेम वे ड्यूरिंग बीटा एमिशन के टाइम मास नंबर ऑलवेज सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। सो राइट आंसर इज ए। एट इज ड्यूरिंग बीटा एमिशन एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाइन्थ इज विच ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन इज मोस्ट आयोनाइज। सो द आंसर इज अल्फा। टेंथ इज विच ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग।
सो आंसर इज गामा रेडिएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. 11th is which of following radiations get deflected most in electric or magnetic field. Answer is beta particle. So student, इसकी जो अल्फा है, बीटा है और गामा की आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जानी है. मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर कोई भी चैप्टर आप लगाते हो उसके MCQs, तो वो चैप्टर आप थोरोली स्टडी करो, तभी आप MCQ के सही आंसर दे पाएंगे. अदरवाइज आप जस्ट क्रैम कर रहे हो, उसका बेनिफिट नहीं है. ठीक है, सो अच्छे से पहले चैप्टर को पढ़ो, फिर MCQ प्रिपेयर करो. सो ये थे स्टूडेंट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ. इस टाइप के MCQ आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं. और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.